यूपी में योगी राज में महिलाओं पर अत्याचार रुक नहीं रहे हैं, अपराधी बेखौफ हैं। यूपी के बस्ती के से एक दिल दहला देने वाली खबर आई है। यहां एक शख्स अपनी भांजी को छेड़छाड़ से बचा रहा था तो गुंडों ने मामा को पीट पीट कर मार डाला। ये वारदात है कप्तानगंज इलाके के भरवलिया गांव की। घटना 19 मई की है। लड़की गांव के ही एक घर में मोबाइल चार्जिंग पर लगाने गई थी। यहां से लौटते वक्त कुछ लड़कों ने उससे बदसलूकी की। लड़की के चीखने पर उसके मामा उसे बचाने के लिए दौड़े तो लड़कों ने मामा को ईंट और डंडों से पीटा। लड़की के मामा की गोरखपुर के अस्पताल में मौत हो गई है। आरोपी फरार हो गए हैं। हम सूरज के मोबाइल लगा कावत रहे, वही गली में हम समझ आ करे लगे हम बोले तो दिखा नमर कुछ हाथ पकड़ ली तो गोल लगाए नमर हमार मामा जाए पहुंच गए नमरे मामा को मार दें धारा वाला सामान से। लड़की मार कर सूरज की हाथ चार्ज कर मोबाइल लगा कर आवे लाग आपन आ कर लड़की खबर हाथ ही नीचे लागे और चिल्ला छेड़े लाग और चिल्ला जूता मेरे पे नहीं भेर साहब दौड़े मेरा लड़का का धार धार सामान से मार दिया। मेरा लड़का धड़ाका गिर गया। हमारे पैर लड़के भागे लाग साहब आमा गए जवाब हो गए थाने गए वह गाड़ी देवे लागे। और बस्ती की पुलिस इस मामले पे क्या कह रही है देखिए। भरवलिया गांव में विवाद हुआ था जिसमें दोनों पक्ष आपस में मारपीट किए और हॉस्पिटल में दोनों पक्षों के लोग भर्ती हुए जिसमें एक व्यक्ति को गोरखपुर रेफर कर दिया गया। पता चला कि कल उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। सर छेड़खानी की बात सामने आ रही है। जो पुलिस के पास जो सूचना है और लिखाया है जो उन लोगों ने उन्होंने केवल मारपीट की बात लिखाया है। तो यूपी में योगी राज में महिलाओं पर अत्याचार नहीं रुक रहे हैं। एबीपी न्यूज के लखनऊ ब्यूरो के संपादक पंकज झा हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। पंकज, एक तरफ अपराधियों के खिलाफ अभियान चला रही है योगी पुलिस और दूसरी तरफ इस तरह महिलाओं पर अत्याचार होना, क्या ये बताता है? खासकर ये कि 19 मई की घटना है और अब तक कोई पकड़ा नहीं गया है। देखिए मामला जो है इसमें दो तरह की कहानियां हैं। ये दोनों परिवार जो है गांव के आस पड़ोस के रहने वाले हैं और आपसी रंजित का मामला था और उसी में छेड़खानी की बात जो है वो बाद में सामने आई है। और चूंकि पुलिस ने शुरुआत में लापरवाही बरती जिस तरीके से बंस लड़की का जो मामा है वो जिसको चोट लग गई उसकी मौत हो गई, शुरुआत में ही इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, लेकिन शांति भंग की आशंका में छोटे से धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। इससे पता चलता है कि पुलिस ने इस मामले को रफा दफा करने की यानी दबाने की कोशिश की थी और इस वजह से लड़की की छेड़खानी के मामले में बचाने के लिए जो मामा की जान चली गई है और अब जाकर के पुलिस को होश आया जब बात बढ़ गई। बिल्कुल पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। जो जब बात बढ़ गई मामा के अस्पताल में मौत हो गई उसके बाद कुछ किया गया है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।